हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को टाइफाइड फीवर यानी एंटेरिक फीवर के कारण, लक्षण और इसका ट्रीटमेंट के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। फ्रेंड्स, ये टाइफाइड फीवर जो है, इसको मेडिकल टर्म में एंटेरिक फीवर भी बोलते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स एंटेरिक मतलब जो अंत है, इंटेस्टाइन है। ये टाइफाइड फीवर ये इंटेस्टाइन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको एंटेरिक फीवर भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, अगर टाइफाइड फीवर का जल्दी इलाज ना किया जाए तो ये घातक भी हो सकता है। ये टाइफाइड फीवर मेनली दूषित भोजन, पानी और मेनली फिको ओरल रूट से फैलता है। डायग्नोसिस होने के बाद एंटीबायोटिक से इसका पूरी तरह सफल पूर्वक इसका ट्रीटमेंट होता है। अगर इसका इलाज जल्दी न किया जाए तो घातक भी हो सकता है। फ्रेंड्स, टाइफाइड फीवर है, इसका वैक्सीन भी अवेलेबल है। ये एंटेरिक फीवर मेनली दो टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म के कारण होता है, जैसे साल्मोनेला टाइफी और साल्मोनेला पैराटाइफी। और कभी कभी फ्रेंड्स, ये दोनों एक साथ इन्फेक्शन करता है। साल्मोनेला टाइफी और साल्मोनेला पैराटाइफी दोनों एक साथ इन्फेक्शन करता है। फ्रेंड्स, जो ऑर्गेनिज्म है, ये मेनली हमारे ब्लड और इंटेस्टाइन जो हमारे अंत है, वो अंत में रहता है। फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं इसका साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। फ्रेंड्स, ये एंटेरिक फीवर का जो पहला लक्षण है वो है बुखार। लेकिन फ्रेंड्स, इस बुखार का एक कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे मलेरिया फीवर में बुखार का लक्षण क्या होता है, ये अप डाउन जैसा होता है। कभी बुखार आएगा, ठीक होगा और फिर बुखार आता है और फिर कम होता है। लेकिन फ्रेंड्स, टाइफाइड फीवर का जो बुखार का लक्षण है वो स्टेप लेदर टाइप का होता है। मतलब अगर अभी 101 है तो शाम को 102 हो सकता है या कल 103 हो सकता है, इसी तरह ये बढ़ता रहता है। और इसीलिए इस फीवर को स्टेप लेदर टाइप बोलता है। और फ्रेंड्स, इसके साथ पेशेंट का जो WBC काउंट है वो कम होता है। और फ्रेंड्स, ये टाइफाइड फीवर में पेशेंट का जो दिल की धड़कन है कम होता है। जनरली जब बुखार होता है तो पेशेंट का दिल की धड़कन बढ़ जाता है, लेकिन फ्रेंड्स ये टाइफाइड फीवर में कम्प्लीटली उल्टा होता है, दिल की धड़कन कम हो जाता है, जिसको मेडिकल टर्म में ब्रेडिकार्डिया बोलता है। फ्रेंड्स, इसके साथ पेशेंट का डायरिया हो सकता है, स्टोमक प्रॉब्लम हो सकता है, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स देखा जा सकता है, स्किन में रोज स्पॉट पड़ता है। अगर टेस्ट का बारे में बात किया जाए तो फ्रेंड्स, इसके लिए वाइडल टेस्ट करने के लिए दिया जाता है, जो डॉक्टर कॉमनली वाइडल टेस्ट प्रेस्क्राइब करता है। लेकिन फ्रेंड्स, इसके ऊपर भी इम्यूनोग्लोबुलिन कुछ टेस्ट है जो कॉस्टली होता है, इसलिए डॉक्टर कॉमनली वाइडल टेस्ट करने के लिए देता है। फ्रेंड्स, ये वाइडल टेस्ट के बारे में हमारे इस चैनल में एक वीडियो है, आप लोग अगर जानना चाहते हैं तो इस ऊपर में आई बटन में हम दे देंगे, आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं ये एंटेरिक फीवर के ट्रीटमेंट के बारे में। फ्रेंड्स, ये टाइफाइड फीवर को अच्छी तरह ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इसको अच्छी तरह ट्रीटमेंट नहीं करेगा तो ये क्रोनिसिटी में जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये क्रोनिसिटी से बचने के लिए इसको पूरी तरह ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। और फ्रेंड्स, टाइफाइड बुखार होने के एक सप्ताह बाद वायरल टेस्ट करने के लिए दिया जाता है। अगर वायरल टेस्ट पॉजिटिव है और साथ ही साथ जो साइन एंड सिम्टम्स है, अगर ये सब पॉजिटिव है तो उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है। पहले फ्रेंड्स, पेशेंट को ओरल एंटीबायोटिक दिया जाता है, जैसे सेफिक्जिम 200 मिलीग्राम टेबलेट। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, टेक्सिमो 200 या पेंसेबो 200, किसी भी अच्छे ब्रांड का आप ले सकते हैं। इसको दिन में दो बार, सुबह एक, रात को एक, 5 से 7 दिन तक दिया जाता है। इसके साथ फ्रेंड्स, ओफ्लोक्सेसिन 400 मिलीग्राम टेबलेट दिन में एक बार करके 5 से 7 दिन तक दिया जाता है। और फ्रेंड्स, बुखार को कम करने के लिए पैरासिटामोल 500 mg टेबलेट दिया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर पेशेंट का बुखार के साथ साथ अगर बॉडी एक है तो पैरासिटामोल 500 mg के जगह पैरासिटामोल 650 mg टेबलेट आप लोग दे सकते हैं। और फ्रेंड्स, साथ में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स देना बहुत जरूरत है। फ्रेंड्स, अगर ये ओरल ट्रीटमेंट में काम नहीं होता है या इसमें रेजिस्टेंस है तो आप लोगों को इंजेक्शन देना पड़ता है। तो आप लोगों को इंजेक्टेबल फॉर्म में एंटीबायोटिक देना पड़ सकता है। फ्रेंड्स, ये इंजेक्टेबल फॉर्म में जनरली सेफ्ट्राइक्जन इंजेक्शन दिया जाता है। सेफ्ट्राइक्जन आप किसी भी अच्छा कंपनी का दे सकते हैं, जैसे मोनोसेफ या पेनसेफ या जोन। जनरली 2 ग्राम IV स्टेट करके दिया जाता है, उसके बाद दिन में 2 बार करके 1 ग्राम सुबह, 1 ग्राम रात को, दिन में 2 बार करके 5 से 7 दिन तक दिया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, इंजेक्शन देने से पहले आप लोगों को अच्छी तरह स्किन टेस्ट करना जरूरत है। इसके साथ फ्रेंड्स, फीवर के लिए पैरासिटामोल और साथ ही साथ विटामिन देना बहुत जरूरत है। और फ्रेंड्स, कभी कभी अगर इन्फेक्शन ज्यादा है तो पेशेंट को सेफ्ट्राइक्जोन के साथ साथ एमिकासिन 500 mg इंजेक्शन भी देना पड़ सकता है। एमिकासिन 500 mg इंजेक्शन दिन में 2 बार, सुबह एक, रात को एक, 5 से 7 दिन तक देना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, यही था एंटेरिक फीवर यानी टाइफाइड फीवर का
कंप्लीट ट्रीटमेंट। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक दे देना, क्योंकि फ्रेंड्स इस वीडियो में हम कम से कम 1000 लाइक का टारगेट किया है। और फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल में नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम हमेशा मेडिकल रिलेटेड इसी तरह वीडियो देते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल और एक नया टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।